आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र में चंबल नहर में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक युवक का पैर फिसलने से वो नहर में जा गिरा। वहीं युवक को बचाने के लिए उसके तीन दोस्त भी नहर में कूद गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लालपुर से तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में जामिया रहमत के वार्षिकोत्सव रहमत कॉन्फ्रेंस में छात्रों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के लगभग दो दर्जन बच्चों को सम्मानित भी किया गया है और देश और दुनिया में शांति के लिए दुआ भी कराई गई। असल में आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ जामिया रहमत घघरौली के अंदर है और ये समाज सुधार के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है। और जो साल भर में हमारे विद्यार्थी जो बच्चे उनको जो इनाम दिया जाता है, जो कुरान शरीफ हिफ्ज करते हैं उनके सरों पर जो है दस्तार पगड़ी बांधी जाती है, उसको लेकर के क्षेत्र के लोग हैं और हमारे बुद्धिजीवी और आलिम लोग भी मौजूद हैं जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, ताकि समाज को सुधारने के लिए और उसके अंदर अच्छाई पैदा करने के लिए लोगों को बातें बताई जाएँ और हमारे क्षेत्र से ये सारी चीज़ें चली जाएं। यहाँ तकरीबन बच्चों का भी इंतज़ाम है, 15 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पगड़ी बांधी जाएगी, फारिग हुए हैं कुरान शरीफ से। एटा के निधौली कला में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच जमकर मारपिटाई भी हुई है। वहीं इस घटना का वीडियो वहां पर मौजूदा किसी व्यक्ति ने बना लिया, जो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो एटा की तस्वीरें, वो वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, जहाँ पर पुलिस और आम जनता के बीच झड़प हुई, जिसमें महिलाएं भी बीच में आ गई। पुलिस और महिलाओं में जमकर मारपिटाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के माघी मठिया गांव में होली खेलने के दौरान उपजे विवाद के बाद जमकर दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हो गए, जिसके बाद घटना की जानकारी होने पर पहुंची रामकोला पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले में अभी किसी भी पक्ष ने थाने में कोई तहरीर नहीं दी है। कौन सा चैनल से आप? आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में ससुराल पक्ष की तरफ से विवाहिता की हत्या और अंतिम संस्कार करने का मामला सामने आया। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को पहले तो मौत के घाट उतारा, फिर उसके बाद आनंद फानन में गांव के पास ही 500 मीटर दूरी पर जंगल में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं जानकारी मिलने पर विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जलती हुई चिता की राख से अवशेषों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की छानबीन में जुट गई है। आज तकरीबन 10 बजे फतेहाबाद थाने में कस्तूरी, जो कि धौल की रहने वाली हैं, उन्होंने आके सूचना दी कि उनकी बिटिया रेखा, जिसकी शादी को मात्र 5 या 6 साल हुए थे, एक छोटा बच्चा था, उसको ससुराल वालों ने मार करके और वहीं खंडेर के पीछे जो खंडहर है उसमें, जो कि घर से मात्र 500 या 600 मीटर की दूरी पर है, उसमें जला दिया है। सूचना पाकर के थाना पुलिस द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की गई, लेकिन तब तक ससुराल पक्ष के सभी लोग भाग चुके थे। हम लोगों ने टीम को बुला करके राख और हड्डियां एकत्रित कर ली हैं और बाकी सारे साक्ष्यों का संकलन करके तहरीर मिलने पे विधि कार्रवाई की जाएगी। क्या मारी है? मैं 12 बजे। किसने मारी है? 2 बजे टन से परिवार ने। कहाँ? यहाँ मारी है, घर में। कौन सा गांव है? नाम बताओ। जी नपुरा। क्या घटना हुई है पूरी? ना पता कहाँ बजे, मगर यहाँ देख रहे हैं। तो आपको कैसे सूचना मिली? माए नंदे ना फोन करो माए पति पे। अच्छा। पति ना कर 4 बजे मते जी तब। हाँ नहीं कर रहे, बम्बई से फोन करा हुआ है तब हम आए, देखा लाशू ना मैं दिखाई। अच्छा सर, ना तो माई पुलास ना करवाई।
क्यों पुलिस क्या नहीं कर रही कर रही।